शहर की पार्किंग तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डिप्टी मनीष चौधरी की ओर से शहर में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन तथा व्यवस्था को बाधित करते हुए बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों को यातायात पुलिस की ओर से इंटरलॉकिंग के माध्यम से लॉक कर उनके खिलाफ अभियान चलाकर चालान बनाकर जुर्माना वसूला जा रहा है। इस क्रम में यातायात प्रभारी प्रसन्न काठा तथा टीम के सदस्य गुरुवार को छावनी रोड पर सड़क पर खड़ी एक कार को हटवाने की कोशिश की, लेकिन कार चालक के मौके पर नहीं होने पर पुलिस कर्मियों ने इंटरनल लॉक कर दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर में कार मालिक तथा कार चालक वहां पर पहुंचे तथा कार को इंटरलॉक देकर हाथों हाथ कार का टायर बदलने लगे। कार चालक तथा मालिक की यह हरकत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सिटी थाने में बने अभय कमांड सेंटर में दिखाई दी। हरकत को देखते ही अभय कमांड सेंटर ने इसकी जानकारी यातायात प्रभारी प्रसन्न काठात को दी तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे तथा कार मालिक सरमालिया निवासी अमरचंद पुत्र मांगीलाल जाट तथा राजेंद्र पुत्र रणजीत जाट को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा कार संख्या RJ14CR5109 को 207MV एक्ट में जब्त कर सिटी थाने पहुंचाया। कार्यवाही के दौरान यातायात प्रभारी प्रसन्न काठात, राजेंद्र सिंह, दीपा राम परमेश्वर तथा बाबर खा आदि शामिल थे। श्रीमान IPS साहब, CI साहब के नेतृत्व में ब्यावर की यातायात व्यवस्था सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत ट्रैफिक टीम ने भगत चौराहे से हॉस्पिटल जाने वाले रोड पर एक गाड़ी रोड पे खड़ी थी, उसके टायर में इंटरलॉक करके लॉक लगाया था। लॉक लगाने के बाद में हम यातायात व्यवस्था के लिए चांगेड़ की तरफ चले गए थे। उसके बाद में थाने से जो कैमरे लगे हुए हैं शहर के अंदर व्यवस्था के लिए, थाने से पवन कॉन्स्टेबल का टेलीफोन आया कि आपके द्वारा जो लॉक लगाया गया है उसको कार मालिक स्टेपनी चेंज करके उस लॉक को खोल के दूसरे टायर लगा रहा है उस पर। हम तुरंत सब काम छोड़ के भगत चौराहे उस कार के पास पहुंचे तो वाहन मालिक उस कार का टायर खोल रहा था और दूसरी स्टेपनी लगाकर कार को ले जाने की तैयारी कर रहा था। तुरंत उनको कार को थाने पर लेके आ गए और दोनों जो मुलजिम हैं अमरचंद राजेंद्र उनको थाने में सुपर कर दिया गया और नियमानुसार कार्रवाई जारी है। शहर की व्यवस्था के लिए जो कैमरे लगे हुए हैं उससे कोई आदमी नहीं बच सकता।